हेलो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो भी जिसका एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ओके एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस अगेन क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था और इस क्वेश्चन में भी हम एक या दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्यूब निकालने, तो नेगेटिव नंबर के हम सॉल्व कर चुके हैं, -7 का हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम अपॉन रेशनल नंबर का क्यूब सॉल्व करते हैं, 4/7 और 1/15, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो हम 4/7 का क्यूब सॉल्व करते हैं। उसके बाद डेसिमल वाले 2 क्वेश्चन है, तो इनमें से भी हम एक सॉल्व करेंगे, तो हम 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 4/7 द क्यूब ऑफ 4/7। सो क्यूब ऑफ 4/7 इक्वल टू 4/7 होल क्यूब, मतलब क्यूब है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, 4/7 का होल क्यूब। अब 4/7 को हम 3 टाइम राइट करेंगे, ओके एंड 4 मल्टीप्लाई विथ 4 16 16 मल्टीप्लाई विथ 4 64 इज हियर, 7 मल्टीप्लाई विथ 7 49 49 मल्टीप्लाई विथ 7 343। ओके तो हियर इट इज़ आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। वन मोर क्वेश्चन हम डेसिमल वाला सॉल्व करते हैं, इसमें भी क्यूब निकालना है, तो द क्यूब ऑफ 0.03, तो राइट करेंगे 0.03 होल पावर 3 होल क्यूब। अब इट मीन्स इसको 3 टाइम राइट करेंगे, तो 0.03 0.03 मल्टीप्लाई 0.03, 2 टाइम का मल्टीप्लाई किया हमने इन दोनों का, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 का होगा, तो 9, और 9 होने के बाद में यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो कुल मिला के 4 डिजिट हो गए। तो 9 के बाद हमें 30 और लगाने पड़ेंगे आगे की तरफ, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए हमें, क्योंकि 2 और 2 4 हो गए, तो 30 लगा दिए, तो 0.0009 इंटू 1 मोर 0.03। सो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 27 एंड यहाँ पे हम जानते हैं 4 डिजिट यहाँ पे और 2, टोटल 6 डिजिट हो गए, तो हम 27 के 2 डिजिट हैं और 40 हम पुट करके पॉइंट लगा देंगे और डेसिमल के बाद आगे भी 0 लगा देते, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई करना आपको आता है 100%, है ना, तो आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है। तो कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लोकेट क्वेश्चन नंबर 6 इन बुक। Which of the following number are perfect cube? हमें इसमें से पता करना है कौन परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ओके तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3375 रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3375 हमें यहाँ पे परफेक्ट क्यूब फाइन करने के लिए हम प्राइम फैक्टर का यूज़ करेंगे, तो प्राइम फैक्टर फाइन करते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम 3, बिकॉज यहाँ पे इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से, इसलिए 3 3 6 7 13 13 प्लस 18 18 3 की टेबल में आता है, तो 3 से किया तो 3 1 3 3 1 3 3 2 6 1 कैरी करें तो 3 5 15, फिर यहाँ पे 1 1 2 4 और 5 9 होते हैं, 9 भी 3 की टेबल में आता है, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 2 बच्चे 22 3 7 जा 21 1 3 5 जा 15, फिर ये हुआ 15, तो 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 बचा 3 5 जा 15, 125 3 से नहीं जाते हैं तो 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 25 टाइम 25 5 टाइम 5 1 टाइम, ओके तो वी राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 3375, 3 3 टाइम एंड 5 3 टाइम, सो हियर पे ट्रिपलेट इज कंप्लीट, ओके तो 3 का भी ट्रिपलेट और 5 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट है, तो वी फाइंड दैट ऑल द ग्रुप ट्रिपलेट्स ऑफ द इक्वल फैक्टर एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट अनग्रुपटेड। यहाँ पे अनग्रुपटेड कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो आप अगर कोई जैसे नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जो आप करोगे उसमें अगर कोई अनग्रुप हो तो लिख देना, 1 फैक्टर इज अनग्रुपटेड, सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ओके तो इस तरीके से आप परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हो, तो यहाँ पे अनग्रुप फैक्टर नहीं है, तो आप केवल ये पेयर बना के आप आंसर लिख सकते हैं, तो आप सारे पेयर बन रहे हैं, 3 के पेयर बनाने के क्यूब फाइंड कर रहे हैं, तो देयरफॉर 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर,
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड हम स्क्वायर वाले में भी कर चुके हैं, स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्यूब फाइंड करना है। तो टू डिजिट वाले जो क्वेश्चन है उनका हम कॉलम मेथड से क्यूब फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वन क्वेश्चन देखते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करते हैं, 47 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड 47 बाय कॉलम मेथड। तो वी फाइंड द क्यूब ऑफ 47, ठीक है। 47 का क्यूब फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम टेक करते हैं एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 7, मतलब फर्स्ट जो टेंस है उसको हमने एक्स मान लिया, आगे वाले नंबर को और पीछे वाले नंबर को वंस को वाई मान लिया। इसके बाद कॉलम, फोर कॉलम बनते हैं क्यूब के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और यहाँ पे एक फार्मूला जो है क्यूब वाला वो रनिंग करता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम बने। जैसे कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इस फार्मूले के, इनको कॉलम में बता दिया गया। तो ए क्यूब मतलब अगर हमने यहाँ पे एक्स और वाई लिया तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब। तो फर्स्ट कॉलम एक्स क्यूब है, सेकंड कॉलम क्या है 3 एक्स स्क्वायर वाई, तो 3 एक्स स्क्वायर वाई क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में चलेगा, ये ए बी के फॉर्म में मैंने लिखा है। थर्ड कॉलम क्या है 3 एक्स वाई स्क्वायर, और फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा वाई क्यूब, बी क्यूब है तो वाई क्यूब, वाई क्यूब। तो ये आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, ये भी क्या है होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो मतलब ए और बी का मतलब है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, टेंस और वंस का क्यूब निकाल के हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, उसको फैक्टर बना के। क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसा होगा, 47 का होल क्यूब का मतलब ये थोड़ी होगा 4 प्लस 7, नहीं 40 प्लस 7 का होल क्यूब होता है वो, तो ये हमारा 40 हो जाएगा और बी हमारा 7 हो जाएगा। इस तरीके से वो फार्मूला रन करता है। तो यहाँ पे हम कुल मिला के ये इजी मेथड है, तो इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है कि फर्स्ट कॉलम में ए क्यूब आता है, फिर 3 ए स्क्वायर वाई, 3 एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब। अब एक से हमारा क्या है टेंथ से, मतलब 4 क्यूब, ये 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 7, वाई की वैल्यू 7 है, एंड 3 मल्टीप्लाई एक्स मीन्स 4 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर, और वाई क्यूब मीन्स 7 क्यूब। अब हम सॉल्व करते हैं, तो 4 का क्यूब तो 64 हुआ, 3 4 स्क्वायर 16 इंटू 7, और 4 और 7 का स्क्वायर 49। आप चाहे तो सिंगल सिंगल कॉलम भी कर सकते हैं, जैसे वाई क्यूब 343 आया, फिर इस पूरे को सॉल्व किया जहाँ तक लास्ट यहाँ तक आया, तो इन तीनों मल्टीप्लाई किया 4 12 का 49 में किया तो 588, तो ये आंसर आ गया। तो सबके पहले सिंगल आंसर निकालो, इसका ये आंसर आ गया 343, इसका आंसर आया 588, फिर इसका जो आंसर आया वो आया 336, और इसका आंसर आया 64। अब हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट, पीछे से आगे की तरफ आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, और सिंगल सिंगल डिजिट लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिया, तो हम आंसर जो लिख रहे हैं उसमें लास्ट डिजिट 3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ से वन से लेना है 3। तो ये 34 जो है वो कैरी करेंगे नेक्स्ट वाले में, तो हमारा 588 में 34 प्लस हो जाएगा, तो 622 आया। तो यहाँ का वंस लेंगे क्योंकि इससे आगे तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, उधर का कैरी जोड़ चुके हैं हम, तो 2 लेंगे, तो हमने यहाँ 2 लिखा, ठीक है, वंस वाला लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बताया 62, वो आगे कैरी हो जाएगा, तो 336 में 62 प्लस होगा 398, फिर यहाँ का भी केवल वंस लेंगे तो 8 लिखेंगे, ये 8 लिखा, फिर ये 39 आगे प्लस हो जाएगा, तो 64 में 39 प्लस होगा तो 103। अब आगे कोई कॉलम है नहीं और यही हमारा आंसर होगा, तो पूरा कंप्लीट लिखें तो 103 हम पूरा कंप्लीट लिखें, तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आया 103823 मीन्स 101,03,823, ये हमारा 47 का होल क्यूब आएगा। तो ये कॉलम मेथड है, कॉलम मेथड हम पहले स्क्वायर में कर चुके हैं, आप क्यूब में आसानी से सीख जाओगे, तो रिमेनिंग क्वेश्चन इसी मेथड से कर लीजिएगा और एक बार और देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है बच्चों। तो इजी मेथड है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट इज हियर। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1372 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट क्यूब, फाइंड द रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेंड। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें बताया कि विच स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें गिवन नंबर को कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हमें पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाई, इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, और अगर वो नंबर हमें पता चल जाएगा तो उस नंबर का मल्टीप्लाई करके हमें परफेक्ट क्यूब रिक्वायर्ड वाला निकालना भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सही क्वेश्चन हमने स्क्वायर वाले में भी किए थे, तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1372 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इवन नंबर है, लास्ट में टू है तो टू से जाएगा, तो टू से जाएगा 13 को लेंगे तो 6 टाइम 12 वन कैरी होगा 17, 8 टाइम 16 वन कैरी होगा तो 12 6 टाइम तो 686 आया। फिर वापस इवन नंबर है, टू से जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, फिर लास्ट में ये टू से नहीं जाएगा, ओड नंबर है और थ्री और फोर सेवन और थ्री टेन होता है, टेन थ्री की टेबल में नहीं आता, लास्ट में जीरो और फाइव नहीं है तो फाइव से भी नहीं होगा, सेवन से होगा, तो सेवन फोर जा 28, फिर सिक्स बचा सेवन नाइन जा 63, फिर सेवन से जाएगा सेवन टाइम, सेवन से जाएगा वन टाइम। तो प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो टू टू टाइम एंड सेवन थ्री टाइम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट क्यूब पता कर रहे हैं तो थ्री का पेयर बनेगा, तो यहाँ पे सेवन का तो पेयर है लेकिन टू का पेयर कंप्लीट नहीं है, तो हम लिखेंगे द प्राइम टू डज नॉट अपेयर इन ग्रुप ऑफ थ्री, मतलब टू का जो है वो पूरा पेयर नहीं बन रहा है, थ्री ग्रुप ऑफ थ्री का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टू का पेयर नहीं है तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब सो वी मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब सो वी मल्टीप्लाई बाय टू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक टू कम पड़ रहा है, और मान लो यहाँ पे एक ही टू होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फोर से, क्योंकि दो बार टू कम पड़ता, लेकिन यहाँ पे अभी दो बार है और केवल सिंगल कम पड़ रहा है, एक और चाहिए हमें वन फैक्टर, तो हम टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वी मल्टीप्लाई बाय टू सो ऑब्टेन, सो परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन बाय, तो क्वेश्चन में हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2744। तो आंसर लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, जो हमें नंबर चाहिए था जिसका मल्टीप्लाई करना है वो तो है टू, एंड परफेक्ट क्यूब भी पूछा था तो परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन इक्वल टू 2744। तो ये एक ही क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का था इस एक्सरसाइज में, एक आध एग्जाम्पल है तो वो भी आप देख लीजिएगा और फेयर कॉपी कंप्लीट कीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को अगेन देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।